बेटी तुम रहने दो, तुम ये नाटक प्लीज बंद कर दो, तुम कुछ भी मत करना समझे, कुछ भी मत करना, जा यार। फूर्ती क्या हो रहा है ये? प्रीति प्रेग्नेंट तुम हो या ये लड़की? मॉम मेरी बात सुनिए, मैं समझाती। और तुम बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रीति तुम्हारी बड़ी बहन है, इसकी देखरेख के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था, लेकिन तुम तो उल्टा इसी से अपने पांव दबवा रही। नहीं ये बात नहीं है मॉम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे धक्का देने की, इसे अपने पांव दबवाने की? हाँ सुनिए तो सही मेरी बात। एक मिनट बस, अब तुम्हारी बदतमीजी और बर्दाश्त नहीं करने वाले। सुनिए तो मेरी बात, अब एक पल भी और ये लड़की इस घर में नहीं दिखेगी। निकलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए मॉम, सुनिए तो मेरी बात। जब से आई है तब से रोज कुछ ना कुछ नाक में दम करके रख दिया इस लड़की ने। मॉम फुर्ती अच्छी लड़की है, शायद गलती हो गई होगी, माफ कर दीजिए उसे। नहीं केटी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन प्रीति इस हालत में इस लड़की के पांव दबा रही, ये कैसे होने दे सकते हैं हम? ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम, प्रीति की इस घर में क्या कदर है कभी समझ ही नहीं आएगा, इस घर को वारिस दे रही है वो। इस उम्र में आके अपना सब कुछ जोखिम में डाल के वो इस घर की खुशियां लौटा रही है, और तुम उसके साथ बदसलूकी करो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं? कभी नहीं। निकलो इस घर से। मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। समझ में नहीं आया तुम्हें एक बार में? अपना सामान लेकर आओ और निकलो इस घर से। मॉम क्या हो रही है, क्या करोगे? हम पूर्ति को जाने नहीं दे सकते, चाहे उसके लिए हमारी सच्चाई पूरे घर वालों के सामने क्यों ना जाए। इस तूफान को रोकने के लिए हमें बड़ा तूफान सामने लाना ही होगा। कीटी नहीं, मैं मॉम मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप पूर्ति को घर से नहीं निकाल सकती, केटी और पूर्ति के देखो मुझे, तुम ठीक हो? हाँ उठ, आराम से आराम से। एक मिनट, एक मिनट आराम से। ये कैसी लापरवाही है प्रीति, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम मेरे कितनी कीमती हो? तुम्हें अगर कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को खत्म कर।
मुझे बचाने के लिए प्रीति ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। मैं हमेशा प्रीति को गलत समझती रही। हे भगवान, प्रीति की रक्षा करना, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। परेशान मत होइए भाभी, मिताली आ रही है ना। थैंक यू डॉक्टर, आप आ गए। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। प्लीज उसका ठीक से चेकअप कीजिए, मुझे उसके और उसके होने वाले बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। रिलैक्स, ऊपर है वो, आइए आइए मेरे साथ। हाँ मिताली प्लीज आइए, ऊपर है। देखा, तुम्हारा केटी नर्स का काम ही कर सकता है। फुर्ती, जरा प्लीज देखो कि डॉक्टर क्यों नहीं है। हाँ केटी, हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते, मैं चेकअप नहीं करवा सकती। कैसी बात कर रही हो प्रीति, चेकअप करवाना होगा ना। ये जैसे गिरी थी आप, ये तो बाहर की चोट है, अंदरूनी चोट भी हो सकती है। अगर अगर डॉक्टर को पता चल गया ना मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, तो हमारा झूठ सबके सामने आ जाएगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीति। मेरे लिए बस एक ही सच्चाई है, वो ये है कि तुम सलामत रहो। हमारे राज का खुलना तुम्हारी लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है मेरे लिए। मुझे लगी ये छोटी सी चोट इन्हें इतना परेशान कर रही है। अगर डॉक्टर ने चेकअप करके इन्हें बता दिया कि मुझे कैंसर है, तो केटी इतना बिखर जाएंगे कि फिर शायद मुझसे भी ना समझे। मुझे जो हो सो हो, मैं केटी को टूटता हुआ नहीं देख सकती। मैं जूस लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। डॉक्टर को मत बुलाइए प्लीज। नहीं ठीक, प्लीज इस बात पे बहस नहीं होगी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम्हारी हेल्थ बहुत जरूरी है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जो मेरी बच्ची को चीज जिंदगी है, मैं उनकी आंखों में आंखें। क्या क्या मतलब, मैं जिंदगी भर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाऊंगी केटी। जितनी आपको मेरी परवाह है ना, मैं भी उतनी ही परवाह करती हूं अपने परिवार के बारे में। मैं उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती केटी, आपको मेरी कसम। ये बात गलत है प्रीति, तुम ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो मुझे। आइए डॉक्टर, आइए। डॉक्टर आई हैं। हाँ, आप अंदर नहीं जा सकती मॉम। क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? Come on, my dear mom. मैं मानता हूँ आपको प्रीति की बहुत फिक्र है, लेकिन आपके चेहरे पर जो ये चिंता की लकीरें चमक रही है ना मॉम, वो देखकर प्रीति भी बहुत चिंतित हो जाएंगे। बेटर ये होगा कि डॉक्टर जाके देख लेना प्रीति को, आप और मैं चल के चाय पीते हैं, वेट कर लेते हैं उनका। हाँ ठीक है, ओके डॉक्टर। फिर आप बच्चे के फादर है ना? जी। इस वक्त आपकी वाइफ को बहुत जरूरत है आपकी। She'll get emotional support. आपको रहना चाहिए उसके साथ। डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो इस वक्त प्रीति के साथ ही रहे, उसे भी अच्छा लगेगा, हिम्मत मिलेगी उसे। हाँ? ये मैं नीचे वेट करती हूँ ना। हाँ? ठीक है। okay. आइए। आइए। कैसी हैं आप? ठीक। आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपका नाम क्या है? प्रीति। ओके। मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बोलिए। इनका इधर रहना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, आपके बच्चे के फादर हैं, तो आपके साथ रहेंगे तो आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा ना, आपकी हिम्मत बनेगी। डॉक्टर, मैं एक मिनट में आया। ओके। okay.
मिस्टर केटी जी सब ठीक होना चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाभी जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा हमारी प्रीति को। वैसे इतने टाइम के बाद इस घर में खुशियां आ रही हैं। बस भगवान कोई बुरी खबर मत सुनाना, प्रीति और केटे के बच्चे की रक्षा करना। बड़ी माँ, केटे के बच्चे की रक्षा करना। बड़ी माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक माँ के लिए उसके बच्चे की जान सबसे ज्यादा जरूरी होती है ना? तो ऐसे में प्रीति आंटी ने अपने बच्चे की जान को रिस्क में डालकर पूर्ति के पीछे उसको बचाने के लिए क्यों दौड़ पड़ी? ऐसा क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच कि प्रीति आंटी ने और किसी चीज की परवाह नहीं की? बात तो तुम्हारी सही है, हैरानी तो मुझे भी हो रही है। प्रीति इतनी लापरवाह तो नहीं है, फिर क्यों? आप चिंता मत कीजिए, जो भी है बस प्रीति ठीक होनी चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब, प्रीति और बच्चा कैसे हैं? दोनों ठीक है ना? आप बताइए ना प्लीज। ओह रिलैक्स एवरीवन, रिलैक्स, शी इज फाइन। आपकी बहू और बच्चा दोनों महफूज है, बस थोड़े आराम की जरूरत है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू, शुक्र है भगवान का प्रीति, तुम और बच्चा दोनों ठीक हो। मैं तो बहुत घबरा गई थी। बेटा बस इतना याद रखो, इस घर की सारी खुशियां तुमसे जुड़ी हैं। और सुनो, तुम्हारी ये बहन तुम्हारे लिए बहुत खास है ना? ठीक है, ये यहां रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन इसका सर खाओ, प्रीति को आराम और शांति की जरूरत है। थैंक यू। थैंक यू किसके लिए बेटा? बस अपना ख्याल रखो। प्रीति तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हम लोगों को बुला लेना। अरे डॉक्टर मिताली, आप यहाँ? सब ठीक है ना? अरे यार, I was searching my mobile, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ यार, let me check। पूर्ति, फोन कहीं तो था यार। फोन, ओ ये रहा। आपकी बहू को ना बहुत जरूरत है आराम की, कम से कम 2-3 दिन तक तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है। पट्टी, वो दवाई लगा ली है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपने ठीक तरह चेकअप किया है? मॉम सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। आइए चलिए। प्रीति इन सब में बहुत देर हो गई है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करा लेते हैं तुम्हारा। केटी, अच्छा लगता है जब आप मेरी फिक्र करते हैं। तो मैं जब गिरी थी ना तब मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन अभी मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति, प्रीति मैं नहीं जाना चाहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहा ना? और तुम खड़ी क्या हो, तुम्हारे पैर में भी सूजन है ना? आप बैठो, मैं तुम्हें मलहम लगा देती हूँ। अरे प्रीति, अरे मलहम तुम बस थोड़ी देर शांति से बैठो। क्या है ना प्रीति, मुझे जिंदगी में आज तक जो भी मिला है ना उसने मुझसे कुछ ना कुछ छीनना ही चाहा है,
इसलिए मुझे आज तक ऐसा ही लगा है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मतलब ही भरा है, सब मतलब ही है लोग। और मेरी एक बहुत बड़ी गलती हुई प्रीति कि मैंने तुम्हें भी वैसा ही समझा। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तुम्हारी चोट ने मेरी आंखें खोल दी। मतलब आज सच में मुझे अंदर से ऐसा लगा कि दुनिया में अच्छाई है, तेरे जैसे अच्छे लोग हैं। और तुम दोनों को ऐसा लगता था ना हमेशा कि मैं कुछ ना कुछ छुपा रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। लेकिन आज मैं तुम दोनों से एक चीज मांगना चाहती हूँ, भरोसा। तुम दोनों का एक सपना है ना, तुम दोनों को एक अच्छा और हट्टा कट्टा बच्चा चाहिए ना, मैं जरूर पूरा करूंगी। बस भरोसा रखना मुझ पर, ठीक है? और हाँ, आज के दिन मुझे तेरी सेवा करने का मौका दो। अरे नहीं 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 नहीं, आज के दिन, आज के दिन मैं अपने पति से सेवा करवाऊंगी। मुझसे? पति पत्नी टाइम। अच्छा ठीक है। फुर्तीब, थैंक यू। अच्छे से ख्याल रखना। आज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा हुआ। नहीं, सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है मेरा। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज ना आपकी फिल्म देखते हैं। सच में मेरी फिल्म देखेंगे? मारो साजन। मारा साजन, नाम याद है? बहुत मुश्किल से याद किया। देखते ना आज। ठीक है, डन। अभी लगाता हूँ। ऐसे जब बेबी होगा ना तो वो मेरी कौन सी पहली फिल्म देखेगा, मैं चाहता हूँ वो आप डिसाइड करें। वो क्या था, वो राठौर रंगीलो? हाँ जरूर, फिर तो रंगीलो बनेगा बेबी। स्कूल से बहुत सारी शिकायतें आएंगी, देखना फिर। नहीं नहीं, अगर वो आपकी तरह हुआ ना तो उसकी शिकायतें तो जरूर आएंगी, लेकिन लोग उसकी तारीफ करके जाएंगे। मैं ना उसकी बदमाशियां देखना चाहती हूँ, किस तरह से बदमाशी करेगा। बिल्कुल देखेंगे आप उसकी बदमाशियां, मैं खुद ट्रेन करूंगा उसे। एक मिनट का इंटरवल ले लूं? हाँ बहुत जल्दी है, अभी आया। हेलो डॉक्टर सोनिया। प्रीति क्या हुआ, होप सब ठीक है? नहीं कुछ ठीक नहीं है, मैं एक्चुअली स्लिप कर गई थी और गिर के मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। और प्रीति तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, तुम्हारा शरीर इतना ज्यादा कमजोर है कि किसी भी चोट को बर्दाश्त करने की ताकत उसमें नहीं है। कल सुबह तुम्हें आना है, तब तक आज रात 2 PCM ले लेना। जी मुझे जाना ही होगा, मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, मुझे ठीक होना ही है। मैं केटी और अपने बेबी के साथ फिल्में देखना चाहती हूँ। अपने बच्चे को केटी को पापा पापा कहते हुए देखना चाहती हूँ। मैं ठीक होकर ही रहूंगी, लड़ूंगी मैं। जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।